गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. इन प्रीवियस वीडियो इन प्रीवियस क्लासेस कोऑर्डिनेट चैप्टर दैट ग्राफ वन वी हैव फिनिश्ड. नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8, दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन. परसेंटेज एंड रेशियो टू थिंग्स आर देयर, राइट? परसेंटेज एंड रेशियो. ओके, एंड इन रेशियो ऑल्सो वी आर जस्ट डिफाइन द टर्म रेशियो एंड वन इज फ्रैक्शन, करेक्ट ना? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो? डू यू नो? इफ यू नो यू मे रिप्लाई इन कमेंट. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, राइट योर नेम फॉर अटेंडेंस इन कमेंट बॉक्स. If you will write name, then only you will be able to give next exam, that is periodic number 2, right? For this week, for 7 days or 10 days are there, be continue and be present daily. Ratio and fraction. What is the difference between ratio and fraction? See, one thing I am taking, that is 6 upon 4, right? And here, 6 upon 4, if I will write here also, so these are equal, that's okay. 6 upon 4, these both are fraction. If I want to make it ratio means we can define that things are divided into what part ko represent karta hai ratio. Jaise now see, this is divisible by 2 na, 2 to the 4, 2 3 the 6, now we have 3 upon 2. Is it divisible more? No, by any number? No. So this is, you can say, 3:2. Means the things, whatever we have, the whole part is divided into two part. Whole part, one thing is divided into two part. This is first part, this is second part. And the ratio will be 3:2. Right? Suppose we have 5 things. Means 3 one will take and 2 other will take. Suppose we have 10 things. So out of 10, 6 one and 4 other will take. This is the ratio, means lowest form of fraction, you can say, right? And this is the way to write. Similarly, we have here ratio and percent. Now what is the relation between percent and ratio? Percent means, ye dekho, percent, this is percent and this is cent and this is per. Per means every, correct? Per means every. Cent means 100. Every 100. 100 में जो भी value आती है, हर एक 100 में, उसी को बोलते हैं percentage. जैसे मैंने बोला कि one is getting 30 marks, और चलो 100 में से निकालते हैं. किसी क्या है 100 में से 30 marks. 100 में से 30 marks. 100 में से 30 marks. Again out of 100, 30. And again out of 100, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 5 time I have written here, 30 out of 100, right? Ab yahan dekhenge, 30 out of 100, percent, every 100, right? So total marks kya ho sakte hain? Dekho, 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, aur upar agar hum add karte hain, to kitna aata hai? 30, 150 aata hai, correct na? इसका मतलब उसके जो मार्क्स आए हैं, दैट इज 150 आउट ऑफ 500. आ रहा होगा समझ में ये बात? अब 150 आउट ऑफ 500 का मतलब क्या है कि 500 में से 150 मार्क्स आए हैं. और परसेंटेज अगर निकाले तो परसेंट ये एवरी 100 का अगर कैलकुलेशन करें तो एवरी 100 की 30 आती है, 30% आए, करेक्ट ना? 30%. परसेंटेज निकालने के हम यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से. 1 2 0 2 2 0 कैंसिल, 5 3 15. व्हाट वी आर गेटिंग? 30 ओनली. व्हाट वी आर गेटिंग हियर? 30 ओनली. सो अगेन वी आर गेटिंग 30%, मींस एवरी 100 30%. परसेंट को हटा के आप नीचे 100 ले सकते हो, राइट? दिस इज परसेंट. बस इतना ही है परसेंटेज. आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एप्लीकेशन में देखेंगे. एप्लीकेशन मतलब कि हम कुछ सामान खरीद रहे हैं मार्केट से,
हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंट क्या, ये सारी चीज़ें, कितना परसेंट हमको टैक्स देना पड़ता है, कितना परसेंट हमको डिस्काउंट मिलता है, कितना परसेंट हमको लेना है देना है, डिफरेंस अमाउंट, ये सब चीज़ें क्या है, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होती है। परसेंट मीन्स एवरी 100 में क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशियो की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द परसेंट, परसेंटेज की फॉर्म में कैसे करते हैं, रेशियो कैसे करते हैं, है ना। तो लोवेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, हम शुरू करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ 8.1, राइट। इन 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, एंड कीप इन योर माइंड एवरी 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज वी विल लर्न एंड द सेम विल कम। ओके, दिस इज अवर सिलेबस नाउ इन दिस डेज। 8.1 फर्स्ट 5, 8.2 फर्स्ट 5, 8.3 फर्स्ट 5, 8.4 फर्स्ट 5, लाइक दिस। फर्स्ट 5 क्वेश्चन ओनली विल कम हियर एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी काउंट एज अ सिलेबस ऑल्सो, राइट। दैट विल बी ओनली अ सिलेबस, अगेन आई एम सेइंग। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर, रेशियो मीन्स लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो पहले फ्रैक्शन तो निकाल लें, फ्रैक्शन अगर होगा तो लोवेस्ट फॉर्म होगी, और फ्रैक्शन किसका है वो देखना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेशियो ऑफ, किसका रेशियो फाइंड करना है। इन दिस वन क्वेश्चन नंबर ए इज 800 ml टू 4.8 लीटर, राइट। सी आई हैव रिटन हियर क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 800 ml टू 4.8 लीटर, लीटर है ये, ठीक है। दिस इज मिलीलीटर, दिस इज लीटर, मिलीलीटर एंड लीटर। अब यहां देखो 800 ml टू, टू का मतलब क्या है, फाइंड रेशियो, इसके साथ रेशियो फाइंड करना है। इसकी जगह रेशियो लगा सकते हो 800 ml टू 4.8 लीटर, यहां ध्यान देना। अब मैं इसको रेशियो को, रेशियो को उसकी फॉर्म में लिख सकता हूं ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में 800 ml, ध्यान से समझना इसको, 800 ml अपॉन 4.8 लीटर, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों यूनिट सेम होनी बहुत जरूरी है, राइट। दिस यूनिट शुड बी सेम। नाउ मिलीलीटर एंड लीटर, मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, राइट ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो कैन वी से दिस विल बी इक्वल टू, हियर आई एम डूइंग, दिस विल बी इक्वल टू 800, ये तो मिलीलीटर रहेगा, है ना। दिस विल बी अपॉन 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर बनेगा, करेक्ट ना, 1000 हम लेके चलते हैं। ओके, अब देखो मिलीलीटर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर तो कैंसिल हो रहा है ना, ml टू ml कैंसिल, 1212 ये जीरो से कैंसिल हो रहा है। ये देखो डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और आएगा ना, वी कैन पुट हियर, एंड दिस थर्ड जीरो टू थर्ड जीरो कैंसिल, सो व्हाट वी हैव 8 अपॉन 48, 8 अपॉन 48 मींस 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, कैन वी से 1:6, रेशियो हैज नो यूनिट, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो की कोई यूनिट होती ही नहीं है, ठीक है। अगर रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इट मींस दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, है ना, ये ध्यान रखना आपको कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। कभी आ भी जाए एमसीक्यू इन अदर क्वेश्चंस, यू कैन से। एंड द सेकंड वन इज बी, 18 आवर टू 1 डे, 18 आवर टू 1 डे, सी हियर 18 आवर टू 1 डे। अच्छा यहां देखेंगे ध्यान से, दिस इज आवर, दिस इज डे, डे इन वन डे हाउ मेनी आवर्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आर, दैट इज 24, सो 18 आवर्स डिवाइड बाय 24 आवर्स, 18 आवर्स डिवाइड बाय 24 आवर्स, आवर्स टू आवर कैंसिल ना, रेशियो हैज नो यूनिट एंड वी आर गोइंग टू फाइंड रेशियो, रेशियो हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी, ओके। दिस डिविजिबल ऑफ 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 अपॉन 4 यू कैन राइट इन दिस फॉर्म 3:4, राइट, 3:4 आल्सो यू कैन राइट, सो दिस इज द वे टू राइट, गॉट इट, दिस इज द वे टू कन्वर्ट द थिंग्स इनटू द रेशियो। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप कर सकते हो नेक्स्ट, 2 ग्राम टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, चेंज, राइट, यू कैन डू। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 2,
I'm going to write your question number 2 first. I'm erasing this one and I'll write. Now see, question I have written here. See, divide rupees 336 among three friends are A, B and C in the ratio 3:4:5. इस रेशियो में हमको डिवाइड करना है. How to divide? See, first of all, we have total rupees, sum of the rupees, which we have to divide into three part, and then it is given ratio. Ratio means lowest form, as I told you, right? Lowest form. So first of all, what we will do in solution, we will take sum of ratio first of all. Sum of ratio. Why I am taking sum of ratio? First of all, we will define that what is the sum of these two. टोटल क्या है? ये जो टोटल इसका आ गया, रेशियो का भी तो टोटल होना चाहिए ना. तो टोटल ऑफ रेशियो इज 3+4+5. 3+4=7. 7+5 इज इक्वल टू 12. दिस इज 12. ओके, दिस इज 12. नाउ कैन यू फाइंड द रेशियो वन बाय वन? रेशियो ऑफ ए. अब नाउ सी, रेशियो नहीं, पार्ट है ना. पार्ट ऑफ ए विल बी, सी टोटल इज 12. आउट ऑफ 12 पार्ट ऑफ ए इज, फर्स्ट पार्ट इज 3:4:5 ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 3. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम आई एम टेकिंग पार्ट ऑफ बी, फ्रेंड डी, सेकंड फ्रेंड इज बी. सो आउट ऑफ 12, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन फाइंड करके ही अगर हमको परसेंटेज निकालनी है, वी विल मल्टीप्लाई बाई 100. एंगल निकालना है, we will multiply by 360, because total sum is 360. If we want to find the part of money, whatever they are having, we will multiply by, means we will multiply by total. Fraction nikalna jaruri hai. 12 mein se kitna hai iska? 4. Okay, now third is part of C. C is 5 out of 12, right? 3, 4 and 5, correct na? Now we want to find the mark, तो कितने आएंगे? रुपीस multiply by 336, as I told you, multiply by total 336. देखो percentage अगर हमें निकालनी होती, wanted to find percentage, just multiply by 100. Otherwise, okay. Now is it divisible? 12 1 12 12 2 24. What is left? 9. 12 8 96. हाँ, 96. तो इधर भी क्या हो जाएगा? 12 1 12 12 2 24 12 8 96. तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, कैरी टू 3 2 6 + 2, राइट, 8. 84 रुपीज मिलने वाले हैं फर्स्ट फ्रेंड को, राइट. सेकंड कितना है? 112 रुपीज सेकंड फ्रेंड को मिलने वाले हैं. और थर्ड वन कितना है? 112 में और 28 को ऐड करना पड़ेगा, कितने आ गए? 5 8 40, है ना. 10 + 1 12 120 नहीं आएगा. 5 8 40, कैरी 4. 5 2 10 + 1 10 + 4 14 140 रुपीस आएंगे. ये आ गए आपके सबके रुपीस डिवीजन पार्ट. अब इनको सम करोगे ना, तो देख लो कितना आ रहा है. 4 + 2 8 आ रहा है ना. सॉरी, 6 4 + 2 6 8 + 4 12 + 1 13, एंड दिस वन इज 1 2 एंड 3, राइट. कितना आ रहा है इसमें? हाँ, 3 हो गए. सो 336 हमारे पास टोटल रुपीज थे जो हमने इनको डिवाइड कर दिए हैं, राइट. दिस इज 336 टोटल रुपीज, एंड वी हैव डिवाइडेड द सेम इनटू सम पार्ट्स, करेक्ट. दिस वाज द वे टू डू द थिंग. ओके, बस ऐसे ही है. नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ध्यान से. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो. अब इसको रेशियो की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखना. देखो, फर्स्ट इज गिवन 25% नंबर 3, दैट इज 25% हमको किस में चेंज करना है? रेशियो में. परसेंट given, so write in the form that is 25%. Cent means 100. Percent को हटाओ और percent लगाओ. Are you getting? Yes. So 25 and 25, 25 for 100. Can you write 1:4?
यस, कैन यू राइट 1:4? ये था आपका रेशियो, इजी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दैट इज 2 1/2%, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 अपॉन 2%। एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर व्हाट टू डू, 5 अपॉन 2% क्या करेंगे, ये परसेंट, राइट। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये कितना हो गया 1 2 2 जा 4 40। Can we say here 1:14? Is it? Yes, we can write like this. Now next one is 5.5% भी ऐसा ही है, decimal हटा के आप नीचे zero लगा देना और जो भी आता है वो कर देना, lowest form में change करना और कुछ नहीं करना है। Next is express the following in percent. अब percent में change करना है, as I told you percentage में just percent में इसमें क्या किया था हमने, divide किया था ना, अब multiply कर देना है, right? क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 2:25 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है नंबर 3 का, 2:25 हाउ टू फाइंड परसेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, 2 अपॉन 25 ना। अब इसको क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग परसेंटेज जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल, 25 1 जा 25 4 जा 4 2 जा, this is 8%, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। लाइक व्हेन आई एम गोइंग टेकिंग 0.4, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी, राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर डी, हियर इफ आई विल टेक 0.4, हाउ विल डू, देखो 0.4 डेसिमल को मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, करेक्ट ना, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 for finding percent, this is 0 to 0 cancel, this will be equal to 40, right, and 40% you may mark here, 40%, this is the way, a simple way is there, you can do. Now last question, I am taking number 5 of this exercise, why it is last, as I told you just before, John saved 20% of his monthly income, his monthly income expenditure, monthly expenditure is 4800, find monthly income. देखो करते हैं ये, ठीक है, पहले मैं आई विल रिटर्न योर क्वेश्चन, जॉन सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, सेविंग है, इट मींस सॉल्यूशन आई एम डूइंग हियर, सेविंग गिवन है, सेविंग, सेविंग कितनी है 20%, सी इफ सेविंग इज 20%, राइट, देन एक्सपेंडिचर विल बी एक्सपेंडिचर विल बी 20% अगर सेव हो रहा है 100 में से तो बचा क्या, 100 माइनस 20, दैट इज 80% एक्सपेंडिचर होते हैं, 80% एक्सपेंडिचर, ओके। नाउ एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज, ये भी देखो, अगेन एक्सपेंडिचर, राइट, अगेन एक्सपेंडिचर, दैट इज रुपीज 4800, समझना इसको, दिस इज सेविंग एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, तो फाइंड मंथली इनकम, फाइंड मंथली इनकम कितनी होगी, देखो ये भी एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, तो मंथली इनकम तो 100% थी ना, तो एक्सपेंडिचर दोनों ही एक्सपेंडिचर तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना, इज इट और नॉट, बोथ शुड बी इक्वल, इट मींस हियर 80% इज इक्वल टू 4800, राइट, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, this is 80%, this is in percent, this is in rupees, 80% is equal to 4800, so the 1% will be equal to 4800 divided by 80, is it right or not, agar 1% 80% itna hai to 1% hi nahi hoga divide karne se, okay, if 1% is, then 100% will be equal to, can you multiply by 100, right, so yahan kar lete hain 4800 multiply by 100 upon 80, अब देखो कटता है तो काट दो इसको, 0 to 0 कैंसिल, 8 6 जा 48 एंड 00, तो सैलरी कितनी आ गई, 6 1 2 3, देखो 20 ये हो गया, 6000 रुपीज सैलरी थी जिसमें से एक्सपेंडिचर थे 4800 के, तो सेविंग कितनी आ रही थी, 4800 माइनस करेंगे तो 1200,
और ये थी टोटल इनकम। होप यू अंडरस्टूड। दिस वॉज योर एक्सरसाइज 8.1। इन नेक्स्ट वीडियो और लाइव इफ इट इज पॉसिबल आई विल टेक कि यहाँ पर क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है 9 के बाद, यहाँ क्या सब जगह प्रॉब्लम है 9 के बाद, है ना, 9 o'clock के बाद नेटवर्क काम नहीं करता, इसलिए वीडियो अपलोड जरूरी है। इफ इट इज पॉसिबल आई ट्राई टू टेक लाइव क्लास इन इवनिंग। ओके, सो दिस मच इज इनफ टूडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड राइट योर नेम फॉर अटेंडेंस ऑल। ओके।